नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। वन विभाग के हत्थे चढ़े दो वन अपराधी, लंबे समय से कर रहे थे जंगल साफ। बक्सवाहा सुनवाहा निवासी दो युवकों को मुखबिर की सूचना पर वन विभाग के अमले ने चार पहिया वाहन में सागौन की लकड़ी व अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा। एक ओर जहां क्षेत्र के लोगों द्वारा चलाया जा रहा जंगल बचाओ अभियान चरम पर है, जिसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है, वहीं दूसरी ओर बक्सवाहा वन विभाग का अमला भी पूरी मुस्तैदी के साथ जंगल के संरक्षण में लगा हुआ है। वहीं जंगल के क्षति पहुँचाने वाले अपराधियों पर भी नकेल कसने का काम वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। बक्सवाहा वन विभाग की टीम जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे अपराधी की जानकारी एकत्रित कर कार्रवाई कर रही है। वहीं बीती रात मुखबिर की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर बक्सवाहा वन परिक्षेत्र अधिकारी एस के सचान द्वारा अपने वन विभाग के अमले को लेकर पौड़ी के जंगल में पहुंचे, जहां पर एक चार पहिया वाहन HR702727 में सागौन की लकड़ी का परिवहन किया जा रहा था। वन विभाग की टीम ने गोविंद लोधी हीरा सिंह लोधी निवासी सुनवाहा को 18 नग सागौन की ठिंगी जो कि ताज़ा काटी गई प्रतीत हो रही थी। साथ ही यह अपराधियों ने अपनी गाड़ी को इस तरीके से बनाया हुआ था कि इसमें लंबी लकड़ी आराम से परिवहन की जा सके, जिसमें गाड़ी के बीच वाली सीट को अलग कर सागौन की लंबी लंबी ठिंगियाँ परिवहन की जाती थी। यह अपराधी पिछले लंबे समय से इस कार्य को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब यह वन विभाग की गिरफ्त में है। वन अधिनियम 1927 के तहत कार्रवाई कर अपराधियों को जेल भेज दिया गया। उक्त धरपकड़ में वन परिक्षेत्र अधिकारी एस के सचान के साथ उमा शंकर पटौरिया, शैलेंद्र कुमार अहिरवार, पप्पू दीपांकर, श्रीनिवास दुबे, राम कुमार अहिरवार, शिव कुमार कोल के मौजूदगी रही। वहीं वन परिक्षेत्र अधिकारी एस के सचान से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा लगातार वन परिक्षेत्र की निगरानी पूरी सख्ती से की जा रही है। वहीं अपराधियों की धरपकड़ जारी है, वन अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? गोविंद। ये जो लकड़ी पकड़ी गई है तुमसे, ये कहाँ से लाए थे और कहाँ ले जा रहे थे? पौड़ी से मतलब हार से ले जा रहे थे सुनवाहा। सुनवाहा के लिए दो आरोपियों को पकड़ा है। क्या पूरा मामला? इसका मामला ये है कि मुखबिर की सूचना के आधार पर श्रीमान उपवर्णन अधिकारी महोदय के निर्देशन में ग्राम पौड़ी के पास एक 44 वाहन पकड़ा गया, जिसका नंबर जो है HR 70 और 2727 टोयोटा की क्वालिस है। अपराधी दो उसमें पाए गए, जिसका नाम जो है गोविंद सिंह है, दूसरे का नाम हीरा सिंह, पिता बल्ली है। इनके पास से क्वालिस के अंदर से 18 नग लकड़ी पाई गई, जो लगभग 6000 रुपये कीमत की आंकी गई है। इसका वन अधिनियम 1927 के तहत कार्रवाई जारी है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।